हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है CISF, जी हाँ CISF की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकली थी 2019 में, जिसके कि आप लोग के प्रोसेस लगभग लगभग यहाँ पे आप लोग के फिनिश होने वाले हैं। जी हाँ, मेडिकल आप लोग के यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कि मेडिकल में पॉइंट मिला तो री मेडिकल के लिए उन्होंने अप्लाई किया, और बहुत से स्टूडेंट के पास ज्वाइनिंग लेटर हाथों हाथ मिल गए, और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट के ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं। तो अभी बात चल रही है री मेडिकल के लिए, तो री मेडिकल की जानकारी जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, वेबसाइट पे आप लोगों ने देखा होगा री मेडिकल की डेट आप लोग की यहाँ पे दे दी गई है। जी हाँ, 11/10/2021 से आप लोग के यहाँ पे री मेडिकल यहाँ पे RME आप लोग के स्टार्ट हैं, जो कि सेंटर का नाम यहाँ पे महिपालपुर दिल्ली आप लोग को बता दिया गया, जिसकी जानकारी मैंने आप लोग को पहले ही दे दी थी। 11 अक्टूबर से आप लोग के यहाँ पे री मेडिकल होंगे, तो 11 से आप लोग के यहाँ री मेडिकल स्टार्ट हैं, जो कि आप लोग का NSCC महिपालपुर दिल्ली में आप लोग का होने वाला है। और इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, यहाँ पे आप लोग के जो एडमिट कार्ड हैं RME के लिए, वो आप लोग को डिस्पैच कर दिए गए, यानी डिस्पैच किए जा रहे हैं। ये आप लोग के 20 तारीख से ही डिस्पैच किए जाने से, लेकिन कुछ समय लेट होते हुए आप लोग को 23 तारीख से ही यहाँ पे डिस्पैच किए जा रहे हैं। जी हाँ, मेडिकल आप लोग मेडिकल के लिए जो एडमिट कार्ड है वो डिस्पैच किए जा रहे हैं, और जल्द ही आप लोग के घर पे जो है एडमिट कार्ड मिलेगा। बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट आप लोग को भेजे जा रहे हैं, तो किसी प्रकार की आप लोग को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग का मेडिकल 11 को है, री मेडिकल 11 को है, 12 को है, 13 को है, 14, 15, 16, 17, 18 पूरी डिटेल आप लोग को आपके एडमिट कार्ड पर मिलेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई अभी री मेडिकल की जो डेट, उसके लिए आप लोग को एडमिट कार्ड स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप लोग को जो है मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, इनका भी RME है, तो इनका मेल के थ्रू जो है ये एडमिट कार्ड आया। जी हाँ, मेल के थ्रू इनका जो एडमिट कार्ड सेंड किया गया, उन्होंने मेरे पास ये सेंड किया एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इसमें CISF का आप लोग का है, ठीक है, 24 सितंबर का ही है, इनको मेल आया था, इसमें इनका रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे दिया गया, ठीक है, महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं। तो इसमें कॉल लेटर आप लोग देखेंगे, कॉल लेटर फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट कॉन्स्टेबल कुक की पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया था। तो यहाँ पे मेल के थ्रू यहाँ पे जो है इनका एडमिट कार्ड अभी सेंड किया गया है, और बाई पोस्ट आप लोग को जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड सेंड किए जा रहे हैं। बहुत ही जल्द आप लोग के पास आएगा, मेल पे भी आएगा और बाई पोस्ट भी आप लोग के घर पे आएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बात कही जा रही है कि रिव्यू मेडिकल एग्जाम रेफरेंस ऑफ रिजेक्टेशन, यानी कि जो इनको रिजेक्ट किया गया था, मेडिकली अनफिट किया गया था 17/8/2021 को, तो जो इनको रिजेक्ट स्लिप मिली थी, ठीक है, और इसके अलावा जो इन्होंने अपील करी थी, ठीक है, उस अपील को देखते हुए इनका जो है री मेडिकल के लिए यहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो यू हैव हेयर बाय इन्फॉर्म यू अपील रिगार्डिंग कंडक्ट रिव्यू मेडिकल कंसीडर एक्सेप्ट कंप्लेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो इनकी जो अपील है वो अथॉरिटी के द्वारा सुन ली गई है, और इनका री मेडिकल की डेट यहाँ पे दे दी गई है 14/10/2021। जी है, 11/10 से आप लोग के यहाँ पे री मेडिकल हैं, तो इनका 14/10/2021 को री मेडिकल है। बहुत से स्टूडेंट को 13 को है, मीन्स 15 को, 16 को, 17 को, 18 को भी यहाँ पे आप लोग के री मेडिकल हो रहे हैं, ठीक है। CISF जो NSCC हॉस्पिटल महिपालपुर दिल्ली में इनका री मेडिकल होने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। यदि आप लोग का भी री मेडिकल है तो आप लोग तैयार हो जाइए, जल्द ही आप लोग को जो है एडमिट कार्ड मिलने वाला है। तो फॉलोइंग एड्रेस पे आप लोग इनको जाना है, 14/10/2021 को 7 बजे इनको पहुंच जाना है। जो भी इनका री मेडिकल जहाँ पे एग्जाम होगा, जो सेंटर इनका दिया गया है, वो इनका है DIG नॉर्थ जोन हेडक्वार्टर CISF NSCC हॉस्पिटल CISF कॉम्प्लेक्स महिपालपुर पोस्ट महिपालपुर न्यू दिल्ली 110037। जी मैंने इसकी जानकारी आप लोग को पहले दी थी कि आप लोग की जो है जो भी आप लोग का री मेडिकल होगा वो महिपालपुर में ही होने वाला है, तो महिपालपुर में ही आप लोग का री मेडिकल हो रहा है, तो इनको महिपालपुर में पहुंचना है 14 तारीख को, यहाँ पे इनको 7 बजे वहाँ पे उपस्थित हो जाना है। तो समय से पहले ही ये पहुंच जाएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोग का ये री मेडिकल है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग को चांस नहीं मिलेगा यदि किसी प्रकार से आप लोग को कोई भी ऐसी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है डॉक्यूमेंट, जी हाँ, इनको डॉक्यूमेंट्स भी कुछ लेके जाने हैं, जिसकी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे सर डॉक्यूमेंट के ऊपर भी कोई जानकारी दे दीजिए, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है, इसमें आप लोगों को साफ साफ बताया गया, पूरी डिटेल दी गई है,
आप लोग का एडमिट कार्ड आता है तो आप लोग उसमें रीड कर सकते हैं, बट मैंने आप लोग के लिए अलग से एक वीडियो बना दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये आप लोग का रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को साथ में लेके जाना है, सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ओरिजिनल कॉल लेटर जो भी आप लोग का आएगा रिव्यू मेडिकल के लिए वो आप लोग को लेके जाएंगे, ठीक है। मेडिकल आप लोग का भी एडमिट कार्ड आने वाला है, ठीक है, बाई पोस्ट, कोई टेंशन नहीं लीजिए। इसके अलावा आप लोग दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रख लेंगे और ओरिजिनल टेंथ की आप लोग मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह रख लेंगे, ठीक है। ओरिजिनल टेंथ की सर्टिफिकेट आप लोग को चाहिए। इसके अलावा SC ST OBC से आते हैं तो आप लोग को उसका सर्टिफिकेट रखना है ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल आप लोग को लेके जाना है। तो यदि आप लोगों ने अभी मेडिकल दिया है तो आप लोग पूरी तरीके से कंफर्म होंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा हिलमैन मराठा कैंडिडेट्स हैं, आप लोग हाइट और चेस्ट में छूट ले रहे हैं तो आप लोग को उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो कुछ खास आप लोग को लेके नहीं जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग का कॉल लेटर है, ठीक है। इसके अलावा दो फोटो रख लेंगे, टेंथ की सर्टिफिकेट और SC ST OBC से आते हैं तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सिर्फ यही चीज़ें आप लोग को लेके जानी है और कुछ स्पेशल आप लोग को लेके नहीं जाना है। और इसके अलावा आप लोगों ने अभी मेडिकल दिया है तो आप लोगों को पूरा एक्सपीरियंस होगा कि वहाँ पे कैसे जाना चाहिए, कितना समय लगता है और क्या क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट की जानकारी दे दी है, बाकी की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए, समय से पहले पहुँचिएगा। इसके अलावा मैं आप लोग बता दूँ, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो आप लोग का कॉल लेटर आया है इसे आप लोग सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन नहीं है, इस चीज़ का आप लोग नोट करके रख लीजिए, ठीक है। आप लोग का पहले मेडिकल होगा, उसके बाद ही आप लोग को ज्वाइनिंग मिलने वाली है आप लोग का, ठीक है, आगे का प्रोसेस होगा। इसमें DA TA वगैरह आप लोग को नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा रिव्यू एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है आप लोग का 2 से 3 दिन लग सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने अभी मेडिकल दिया है तो आप लोगों को इसकी जानकारी होगी, तो आप लोग जो पूरे इंतजाम के साथ ही जाएंगे, 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, हो सकता है जिस दिन आप लोग का आप लोग को बुलाया जा रहा है उस दिन ना हो, उसके अगले दिन हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग 2 या 3 दिन का समय लेके चलेंगे, हो सकता है आप लोग का 1 दिन में ही क्लियर हो जाए, हो सकता है आप लोग के 2 दिन भी वहाँ पे लग सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी है आप लोग पूरा अरेंजमेंट करके निकलेंगे। और इसके अलावा आप लोग को बताया है गया है कि आप लोग जो रिव्यू मेडिकल जो आप लोग को टाइम वगैरह दिया गया उस समय पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो आप लोग को जो है कोई चांस यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने आप लोग को पहले बता दिया क्योंकि ये आप लोग का RME है, आप लोग किसी प्रकार से रिस्क नहीं लेंगे, समय से पहले ही पहुँच जाएंगे क्योंकि ये आप लोग के कैरियर का सवाल है। इसके अलावा डिस्क्रिपेंसी और शॉर्ट कमिंग विच हैव टू बी रेक्टिफाइड बाई यू ड्यूरिंग RME, तो किसी भी प्रकार की आप लोग जो है विसंगतियों को जो है आप लोग को सुधारना है, ठीक है। RME के द्वारा आप लोगों को इस प्रकार से कोई गलत व्यवहार आप लोग का ना पाया जाए, ठीक है। तो ये आप लोग का एडमिट कार्ड है, आप लोग देखेंगे इसी प्रकार का आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा। स्पीड पोर्ट के द्वारा इनको मेल में जो है इस प्रकार का एडमिट कार्ड सेंड किया गया है, बट अभी आप लोग का जो है ओरिजिनल आने वाला है स्पीड पोस्ट के द्वारा। किसी प्रकार की आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है। 11 तारीख से आप लोग के एडमिट मीन्स यहाँ पे मेडिकल स्टार्ट हैं, RME स्टार्ट हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आप लोग के यहाँ पे मेडिकल चलने वाले हैं। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले ये कहूँगा यदि चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। इसके अलावा यदि आप लोग का ओरिजिनल कॉल लेटर आता है तो आप लोग मुझे बताइए ताकि मैं उसका वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।